नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक ग्रेशिया पेमेंट के रूप में 5,000 रुपए या फिर 3 महीने की पेंशन दिए जाने के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की गई है। तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 5,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिए जाने के संदर्भ में है, तो इसके बारे में आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट के रूप में 5,000 रुपए की रिक्वेस्ट यहाँ पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई है। तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लेटर है वो उन्होंने लिखा है, जिसमें 5,000 रुपए की डिमांड की गई है। तो इसको अभी हम डिटेल में यहाँ पर जानने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, रिक्वेस्ट फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू हेल्प ईपीएफ पेंशनर्स ड्यूरिंग कोविड-19 सर्कमस्टेंसेस। तो ये दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रेशिया पेमेंट दिए जाने के लिए यहाँ पर ये जो लेटर है वो लिखा गया है, और इसमें यहाँ पर बताया गया है, वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल पैकेजेस अनाउंसड बाय द सेंटर फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द पुअर एंड द नीडी पीपल ड्यूरिंग द कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो जी दोस्तों, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है, तो उसके मद्देनजर यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, तो उसका जिक्र किया गया है। आगे यहाँ पर लिखा गया है, बट सैड टू इन्फॉर्म यू सर दैट आउट ऑफ 65 लाख ऑफ ईपीएस पेंशनर 75% received a monthly pension below ₹1,000. They had rendered 35 to 40 years of service to contribute the nation building in different segment of production. Now they have to earn their livelihood by doing coolie work to feed their family, including the old and sick parents. Even though they receive that income and pension amount, they are in much difficult to make both ends meet. In the current situation, things worse and they are literally in poverty. On behalf of ईपीएफ पेंशनर्स ऑफ द कंट्री, आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू काइंड इनफ टू प्रोवाइड एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ एट लीस्ट 3 मंथ पेंशन और ₹5,000 व्हिचएवर हायर एज अर्ली एज पॉसिबल। Also, we request you to provide free food grain to all EPF pensioners through fair price shop. We hereby request you to once again to do the needful and to consider our request without delay. Awaiting your favorable response. To dear दोस्तों, यहाँ पर EPS 95 pension धारकों के लिए ये जो बड़ी अपडेट, यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए 5,000 रुपए की पेंशन यहाँ पर दिए जाए, नहीं तो एटलीस्ट 3 मंथ की पेंशन जो है वो यहाँ पर जल्द से जल्द दिए जाने के लिए इस पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई है, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई है। तो जी दोस्तों, अगर आप भी ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट दे के रखा है। तो ये फॉर्मेट देकर आप जो आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो एसोसिएशन है, तो उसके लेटर हेड पर बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो है वो भेज सकते हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस सिचुएशन से निपटने के लिए राहत मिल सके। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। ये जो डिटेल पोस्ट आप देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है, वहां से आप जो है वो इसे ओपन करके ये जो डिटेल फॉर्मेट है उसे देख कर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके लेटर हेड पर प्रिंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।